नमस्कार, मैं अनिल कुमार। अभी आपने देखा कि हमारे एक स्टूडेंट अभिषेक शूट कर रहे थे टॉवल्स को। यहाँ पे हम उन्हीं इमेजेस को एडिट करने करते हैं कि किस तरह से टॉवल्स को एडिट किया जाता है, जो आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग में या ई कॉमर्स में, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। शुरू करते हैं, कंट्रोल एल, लेवल्स ठीक करते हैं पहले, उसके बाद फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क, बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं बढ़ाते हैं, सॉफ्ट टॉवल लगना चाहिए, बहुत हार्ड लगेगा तो खराब लगेगा। उसके बाद में अब हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि इसके तीन लेयर बनानी है हमें, एक के ऊपर एक तीन रखा हुआ, जिससे कि वो दिखने में अच्छा लगे। तो हमें क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा एरिया है वो थोड़ा सा हम रिमूव कर देंगे इसको यहाँ पे, और सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इधर से भी हम एक्स्ट्रा एरिया इसको रिमूव करेंगे। कंट्रोल एंटर, शिफ्ट F6, फेदर डालेंगे दो का, और कंट्रोल जे। इसके बाद बैकग्राउंड लेयर जाके एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, शिफ्ट F5 से वाइट कलर फिल करेंगे, और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ हमारा टॉवल एक अलग हो गया है। इसके बाद में हमें करना है कि लेयर वन को सेलेक्ट करना है जिसमें टॉवल रखा है, कंट्रोल जे करके एक बार हमने किया, और यहाँ पे हमने टॉवल को रख दिया। एक और कंट्रोल जे करेंगे और ऊपर भी इसके रख देंगे। तो इस तरह से ये तीन लेयर बन गई हैं। कंट्रोल ई करते हैं, मर्ज कर दिया हमने। अब इसके नीचे अगर हम शेडो डालना चाहते हैं तो शेडो डाल सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कीजिए, लेयर टू को वाइट कलर की, और एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कीजिए, और इसके बाद में यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कीजिए फोरग्राउंड कलर में, और ब्रश टू लीजिए, ओपेसिटी 100%, हार्डनेस 0%, और ब्रश का साइज इतना रखते हैं। एक बार क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के दूसरी साइड क्लिक कीजिए, इरेजर टूल लीजिए, हार्डनेस 0%, ओपेसिटी 100%, और यहाँ हम देखेंगे कि डिलीट करते हैं शेडो को जो बाहर निकली है। एक बार क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा करके क्लिक कीजिए, अब इसके ओपेसिटी कम कर लीजिए, जितने भी आपको शेडो रखने रख सकते हैं। और अगर इसकी आपको प्लेसिंग चेंज करना है तो एरो की दबा करके ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं शेडो को। फिर इसके बाद क्रॉपिंग करने का टाइम आता है, क्रॉप टूल लीजिए, यहाँ पे 1100 पिक्सल बाय 1100 पिक्सल, 72 पिक्सल पर इंच है, और हमें इसको एडजस्ट करना है। डबल क्लिक कीजिए, तीनों सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दीजिए, और इमेज में फाइल में जाइए, सेवेज कीजिए, और यहाँ पे आपको जेपीजी दिख रहा है। जैसे ही आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, कोई टैग दूसरा नंबर डालना चाहते हैं, आप लिख दीजिए, जितना आपको फाइल का साइज रखना है इधर सेलेक्ट कर लीजिए, और कॉपी को सेव कर लीजिए। तो इस तरह से आपका एक एक इमेज क्रिएट हो गई है। दूसरे इमेज पे आते हैं, यहाँ पे भी हमें इसको सेलेक्ट करना, और
कंट्रोल जे, बैकग्राउंड लेयर में जाके शिफ्ट एफ फाइव, लेवल्स में जाके थोड़ा सा लेवल को सेट किया, शैडो डालनी है तो जिससे पहले बताया था शैडो डालने का तरीका वो आप शैडो डाल सकते हैं। यदि आप शैडो रखना चाहें नहीं रखना चाहें आपकी चॉइस है, आप किस तरह से उसको रखना चाहते हैं, या आप इसको आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं शैडोज को। तीसरी इमेज लेते हैं हम, ये एक हमारे स्टाइल की इमेज है जो हमने आपने देखा कि हमने एक फोर्क के थ्रू इसको घुमा करके किया है। कंट्रोल एल कीजिए और कंट्रोल एल करने के बाद में इसको ब्राइट कर लीजिए, शार्पनेस को बढ़ा लीजिए थोड़ी सी और क्रॉप टूल लेकर के सीधा क्रॉप कर दीजिए। इमेज को सेव कर लीजिए। थैंक यू सो मच।